नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैंटेसी टिप्स। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, आईपीएल का दो मैच होने वाला है ईडन गार्डन स्टेडियम में। तो फ्रेंड, कुछ हम ईडन गार्डन स्टेडियम का कुछ खास टिप्स है, कुछ रिपोर्ट है जो हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं फ्रेंड। और ये फ्रेंड जितने भी देख रहे हैं, जितने भी ये सारे जो है स्टेडियम के अनुसार खेले गए मैचेज का है और सारे मैचेज का रिकॉर्ड जो है मेरे पास है। तो फ्रेंड चलिए हम आपको दिखाते हैं ईडन गार्डन स्टेडियम की तरफ चलते हैं और वहाँ पे जो मैच हुआ है किस प्रकार से हुआ है। तो यहाँ पे है हमारा ईडन गार्डन कोलकाता में जो मैच हुआ है, और ये मैच जो हुआ था इंडिया न्यूजीलैंड के बीच हुआ था। और इस मैच में किस प्रकार से टीम गया है, कौन कौन से प्लेयर परफॉर्मेंस किए हैं, तो यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड। इंडिया ने पहले बैटिंग इंडिया का हुआ था, जिसमें 184 रन इंडिया ने स्कोर खड़ा किया था 7 विकेट के नुकसान पर। और यहाँ पे देखा जाए तो एक खास है फ्रेंड, अभी हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे तो दोनों ओपनर चले हैं फर्स्ट बैटिंग के, यानी कि ईशान किशन और रोहित शर्मा ओपनिंग करने आए थे और दोनों चल भी गए थे, ठीक है। और जब यहाँ पे दोनों चले थे तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इनका टेंट बोल्ट और टीम साउथी दोनों शुरू के बॉलर फ्लॉप हो गए हैं। ये भी बात ध्यान दीजिएगा कि जब हमारा दोनों ओपनर चलता है तो बॉलर की तरफ क्या असर पड़ता है, फर्स्ट तो ये ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर श्रेयस अय्यर फ्रेंड चले थे, जो कि लगातार दो मैच से फ्लॉप चल रहे थे और इस वाले मैच में ड्रीम टीम में शामिल हो गए, कम से कम 31 पॉइंट इन्होंने लेकर आया है। रोहित शर्मा यहाँ पे वाइस कप्तान बने हैं, इसका मतलब है कि फ्रेंड ये पिच जो है बैटिंग के लिए जाना जाता है, क्योंकि यहाँ रोहित शर्मा जब स्कोर किए हैं तो यहाँ रन बनने का चांस है, तभी तो रोहित शर्मा जो है यहाँ स्कोर किए हैं। और आप चाहे तो ओपनर बैट्समैन को यहाँ पे कप्तान और वाइस कप्तान भी ट्राई कर ले सकते हैं फ्रेंड। अब यहाँ पे बात किया जाए फ्रेंड बॉलर के तरफ, तो बॉलर के तरफ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे स्पिनर को है ज़्यादा मदद मिलता है, ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा, मेरे इस मैचेज के अनुसार देखा जाए तो अक्षर पटेल स्पिनर है और इन्होंने यहाँ पर चार विकेट लिया हुआ है, ठीक है ना। और ड्रीम टीम का ये कप्तान बने हैं। वहीं पे बात करें फ्रेंड, ईश सोडी स्पिनर है और यहाँ पे एम सेटनर ये भी स्पिनर है। तो यहाँ पे देखा जाए तो तीनों स्पिनर ने तीन विकेट इस तरह से ले रखा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे बात किया जाए फ्रेंड फास्टर का, तो फास्टर में एल फॉर्गूसन फ्रेंड ये तो माइनस में चले गए थे, इनका जो पॉइंट था 20 से 22 पॉइंट था माइनस में चले थे, जबकि एक बॉलर का पॉइंट जो होता है 25 पॉइंट होता है, तो इनका 20 पॉइंट था, इतना पिटाई हो गया था इनका। लेकिन इनकी टीम जब सेकेंड इनिंग में जब बैटिंग करने उतरी थी तो इन्होंने कुछ रन स्कोर कर दिए थे, 10-12 ऐसे ही आसपास में स्कोर किए थे, जिसकी वजह से इनका पॉइंट रैंक बढ़ गया और ये ड्रीम टीम में शामिल हो गए, नहीं तो ये शामिल भी नहीं होते। वही पर बात करें फिर यहाँ पे एक बॉलर है हर्षल पटेल, जो फास्टर के रूप में तो यहाँ पे विकेट निकाले थे। दीपक चहर का बात किया जाए फ्रेंड, फास्टर बॉलर ओपनर, तो यहाँ से दीपक चहर को विकेट शुरुआत नहीं मिला था, क्योंकि स्पिनर सेकेंड इनिंग में स्पिनर को यहाँ बहुत ज़्यादा मदद है। और दीपक चहर यहाँ पे जो विकेट निकाले हैं फ्रेंड डेथ में निकाले हैं, यानी 18वां 19वां ओवर में निकाले हैं फ्रेंड, 18वां ओवर में, और डेथ में विकेट निकालने के चांस है फ्रेंड। ये जब रिटर्निंग जब रिटर्निंग आता है बॉलिंग कराने, तो इनके सामने जो है बॉलर रहता है एक, ये तो बॉलर हैं और इनके सामने जो भी खेलेगा वो बॉलर ही खेलेगा, ईश सोडी, एल फर्गुसन, सेटनर, ये सब के बॉलर लोग बैटिंग करते हैं, जब तक कि इनके शुरुआत के सभी विकेट गिर जाते हैं तो बॉलर का विकेट निकालना आसान हो जाता है। तो देश में आकर के दीपक चहर ने विकेट निकाल लिया था 2 विकेट, जिसकी वजह से ये फास्टर में आते। बाकी ऐसे हर्षल पटेल मिडिल ऑर्डर में इन्होंने यहाँ पे 3 विकेट लिया हुआ था, 3-4 विकेट। तो देखा जाए फ्रेंड कुल मिलाकर के तो यहाँ पे स्पिनर का ज़्यादा मदद है और फास्टर बॉलर
कम रख करके चलिएगा, बैट्समैन भी यहाँ पे बढ़ा सकते हैं कि सेकेंड इनिंग में मार्टिन गुप्टिल ने बहुत ही अच्छा यहाँ पे खेला था, होते ही शुक्र मनाइए मार्टिन गुप्टिल आउट हो गए, नहीं तो ये मैच को भी जितवा देते और इनके साथ कोई नहीं खड़ा हुआ, मार्टिन गुप्टिल के साथ कोई बैट्समैन जो है खड़ा नहीं हुआ, जिसके वजह से ये स्कोर को जो है चेस नहीं कर पाए। तो सेकेंड इनिंग भी ठीक ठाक है, आप चाहे तो कैप्टन वाइस कप्तान जो है बैट्समैन को भी कर सकते हैं, स्पिनर को चाहे तो वाइस कप्तान कप्तान कर सकते हैं। तो ये था फ्रेंड हमारे ईडन गार्डन कोलकाता का कुछ रिपोर्ट। तो वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक खास बात है फ्रेंड, यहाँ पे ऑलराउंडर सेक्शन में 3 प्लेयर आए हैं, तो आप ये भी ध्यान दीजिएगा, कुछ टीम लगाइएगा जिसमें ऑलराउंडर 3 रख लीजिएगा। मिलते हैं सर नेक्स्ट वीडियो में।